पीछे तक तो आज के समारोह में जहां नए साल को मनाने के साथ एकत्रित हुए हैं शुभारंभ हो चुका है और मुझे जैसे सूचना मिली है आचार्य जी जस्ट अभी आने वाले हैं तो आइए मिलकर हमारा औपचारिक नव वर्ष होता है उसकी शुरुआत में आपसे बात करके कर पाऊं बाकी बहुत मीठा बोलना मुझे आता नहीं है लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छा लग रहा है धन्यवाद हाँ क्या कह रहे थे उदित सर आज के सत्र की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहूंगा जो कल से ही मेरे मन में दौड़ रहा है मैं देख रहा हूँ कि नए को लेकर हमारे भीतर एक बहुत अलग सी आकांक्षा है और उसके मुझे दो पक्ष दिखाई देते हैं एक पक्ष तो वो है जो इस नए साल को मनाना चाहता है जो कल से ही अलग अलग जगहों पर पार्टीज कर रहा है घूम रहा है हुड़दंग मचा रहा है सब कुछ कर रहा है कई जगहों पर पुलिस तक को बुलाना पड़ गया हुड़दंग को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए दूसरी ओर एक वो भी पक्ष भी है जो कहता है कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसका नव वर्ष हम अभी मना रहे हैं वो नहीं हमें जो भारतीय संस्कृति में शक संवत या विक्रम संवत होता है उसका नया साल हम मनाएंगे पर मैं देख रहा हूँ साझी बात यह है कि दोनों ही नया साल मनाना चाहते हैं तो ये नया क्या है ठीक बहुत बढ़िया मुद्दे से शुरुआत करी है कि एक तरफ लोग हैं और अधिकांश लोग हम भारत की अगर बात करें जो कि आज नया साल मना रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हो कल काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा था पुलिस बहुत सतर्क होकर घूम रही थी उत्सव तो पता नहीं पर हुड़दंग पूरा था और अभी आज ही सुबह कुछ मित्र हैं जो यूएस और कनाडा में है तो उन्होंने वहाँ तस्वीरें भेजी कि किस तरीके से एक एमिशन सेंट्रिक न्यू ईयर वहाँ मनाया गया है और हम इतनी बातें कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है और हम देख रहे हैं कि अभी अमेरिका में और कनाडा में किस तरह से तापमान शून्य से तीस डिग्री कहीं कहीं पर 45 डिग्री 50 डिग्री नीचे चला गया जो <coughs> ठंडी हवा का आर्टिक के ऊपर एक वोटेक्स है वो बढ़ता हुआ कनाडा में प्रवेश कर चुका है और उसकी वजह से ठंड बहुत बढ़ रही है ये सब देखते हुए भी लोगों ने कहा नहीं नया साल है और नए साल का तो मतलब ही है कि हमको धूमधड़ाका करना है तो एक तरफ तो ये सब है और ये लोग कह रहे हैं नया साल है मुझे इसमें धूम मचानी है दूसरी तरफ भारत में अभी पिछले कुछ सालों से ये बात चलनी शुरू हो गई है कि साहब आप नया साल मनाइए लेकिन एक जनवरी को नहीं मनाइए और हमारे अपने भी तो कैलेंडर्स हैं ना और हम शक संवत की बात करते हैं विक्रमी संवत की बात करते हैं और ये दोनों जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे बहुत अलग नहीं चलते हैं एक ईसा के लगभग पचास सौ साल बाद का है और हमारा जो दूसरा है वो ईसा से पचास सौ साल पहले का है विक्रमी संवत तो इन दोनों में आपस में तनातनी है कि साहब एक जनवरी को नया साल मनाना है कि नहीं लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ दोनों में बहुत कुछ साझा है दोनों ही नए के आकांक्षी हैं बस किस तारीख को नया मनाना है इसमें भेद है हुँ? और नए के आकांक्षी वही नहीं है जो कह रहे हैं कि ग्रेगोरियन पर चलना है जो कह रहे हैं कि शक पर चलना है नए के आकांक्षी वो भी हैं जो कोई ना कोई दिन पकड़ लेते हैं कि ये दिन ख़ास है उस दिन उत्सव मनाते हैं जन्मदिन हो गया विवाह की वर्षगांठ हो गई होली दिवाली हो गई उस पर नए कपड़े पहनते हैं रंग रोगन करते हैं तो ये नए को लेकर के हमें बहुत बहुत आकर्षण है सब में हमें जीवन में चाहिए कुछ जो नया हो बिल्कुल और तुम्हें क्या लगता है हमें अगर नया चाहिए है तो इससे क्या पता चलता है हमारे बारे में कहीं ना कहीं जो हमारे पास पहले से है उससे शायद संतुष्ट नहीं है उससे हम संतुष्ट नहीं है, है ना एक दफे मैंने पूछा था कि ऐसा क्या हो जाता है इकतीस दिसंबर की रात को बारह बजे कि हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं जिसको देखो वही पहली जनवरी का सूरज एक फोटो लेकर के कभी कैलेंडर में लगाता है कभी अपने सोशल मीडिया में लगाता है ऐसा क्या घटित होता है ठीक इकतीस जनवरी को बारह बजे यही बात हम पूछ सकते हैं ऐसा क्या होता है हमारे जन्मदिन की रात बारह बजे? बजे या कि हमारे त्योहारों की रात बारह बजे या कि ठीक भोर के समय ऐसा क्या होता है देखो हम बहुत पुराने लोग हैं और हम एक चक्र में फंसे हुए हैं हम छटपटा तो रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि छटपटाहट दूर कैसी होगी हमारी हालत ऐसे है जैसे कोई बेहोश व्यक्ति बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो मैंने दो बातें कही बेहोशी और बेड़िया कोई बेहोश व्यक्ति बेड़ियों में जकड़ा खड़ा हुआ है बेड़िया है इस बात से उसे तड़प होती है अर्धमूर्छित है लेकिन फिर भी इतनी चेतना है कि उसको पता चलता है कि दर्द हो रहा है आपके साथ कभी हुआ है कि आप एनेस्थाइज किए गए हो ऑपरेशन वगैरह में हुआ है या किसी को आपने देखा हो जिन्हें अस्पताल में बेहोश किया जाता है तात्कालिक तौर पर उन्हें जब होश आने लगता है तो आपने देखा उनका शरीर कैसे गति करता है हे? एक आवेग सा आता है उन्हें नहीं समझ में आता क्या हो रहा है उन्हें दिखाई देता है शरीर में सुइयां घुसी हुई हैं लेकिन उनकी अवस्था क्या है ये उनको पता नहीं चलता है वही हमारी हालत है हम बंधन में भी हैं बेड़ियों में और हम बेहोश भी हैं जो लोग थोड़ा तात्विक दृष्टि रखते हैं।, वो कहेंगे, जी, दोनों एक ही हैं ना हाँ है। कह रहा हूं हम नहीं जानते हैं कि वो जो बंधन है पुराने का उससे बाहर कैसे आए पर बाहर तो आना है क्योंकि छटपड़ाहट तो हो ही रही है तो फिर हम कुछ भी करते हैं अनर्गल अनाप शनाप पुराने से नए में आने के लिए हमें नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है और हमें नहीं पता होता कि उसको करके हमें कोई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी लेकिन आप एक बेचैन आदमी को संयम का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं वो कह रहा है मैं जिस हालत में हूँ इस हालत में तो मैं तृप्त नहीं ही हूं तो कुछ भी करूँगा गलत करूँगा लेकिन कुछ भी करूंगा कुछ प्रयास तो हो क्या पता प्रारब्ध से संयोग से तुक्के से मुझे सफलता मिल जाए कुछ तो कोशिश करूंगा ना जैसे एक आदमी एक जलते हुए घर में फंस गया हो अब आग लगी हुई है उसको दिख ही नहीं रहा है धुआं है इतना कि दरवाज़ा किधर है तो भी क्या वो ये कहेगा कि मैं यहाँ बीच में बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे दरवाज़ा नहीं पता जब दरवाज़ा पता चल जाएगा तब मैं सीधे बाहर निकल जाऊंगा नहीं वो हाथ पांव चलाएगा वो बाहर आने की कोशिश करेगा जहरीली गैस उसके भीतर जा चुकी है दिमाग में अब जहर भर रहा है वो बेहोश हो रहा है लेकिन फिर भी वो आखिरी सांस तक हलचल करता रहेगा हाथ पांव चलाता रहेगा ऐसी हमारी हालत है हम फंसे हुए हैं प्रकृति ही वो पुरानापन है हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम सब प्रकृति में ही फंसे हुए हैं और प्रकृति से बाहर निकलने का रास्ता हम अपनी बेहोशी में ढूंढते रहते हैं ये पुरानापन हमें रास नहीं आता है रास इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऐसे अतीत में भी रह चुके हैं और अतीत में ही तृप्ति नहीं मिली भाई पुराना तब अच्छा लगेगा ना जब पुराने में आपको कुछ मिल गया हो हम जैसे हैं हम बहुत पुराने हैं हम पहले भी ऐसे ही थे और पहले हम ऐसे थे वैसे हो करके हमें कोई तृप्ति कोई आनंद तो मिल नहीं गया तो हम कुछ नया चाहते हैं और हम में बड़ी आकांक्षा है उत्कट इच्छा है कि कुछ नया हो जाए कुछ नया हो जाए और नया है कि होने को नहीं आता तो फिर हम नए को जबरदस्ती बनाते जैसे कुछ हो नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं कुछ नए होने का स्वांग ही कर लो तो ये सब जो हम करते हैं ना ये तरीके तरीके से उसके होने का अभिनय कर लेते हैं जो है नहीं जो लोग बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन इशारों को समझ रहे होंगे जब मैं कहता हूँ उसके होने का हम प्रपंच सा कर लेते हैं उसको पाने का अभिनय कर लेते हैं जो है नहीं तो ये मैं दिस और दैट की भाषा में बात कर रहा हूं जो उपनिषद समागम में हमारे साथ रहे हैं वो मेरी इस भाषा से परिचित हैं जब हम कहते हैं तत्व मे तो ये किसकी बात हो रही है कुछ इंगित हो रहा है ये एकदम नहीं या मैं साल की शुरुआत ही ऐसे ही कर रहा हूँ हवा हवाई हम साथ चल रहे हैं आवाज आ रही है बढ़िया पीछे तक कुछ है जो हमें चाहिए और उसको पाए बिना जिया जाता नहीं है जैसे फिल्मी गाना है ना तेरे बिना जिया जाए ना तो वो कुछ है वहां भी वही बोल दिया है तेरे बिना नाम नहीं लिया है कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम नहीं हो सकता लेकिन वो हमें चाहिए जरूर है और उसके बिना जिया जा नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं हम बीच बीच में अपने आप को ऐसा समझा लेते हैं कि आज वो चीज़ हमको मिली तो ये सब जो हमारे तीज त्योहार और ये सब रहता है कि जन्मदिन आ गया एनिवर्सरी आ गई कुछ और हो गया फलानी चीज़ हो गई ये सब यही है आज कुछ नया मिल गया या कोई नई चीज खरीद के ले आए घर में नई गाड़ी आ गई है या नया घर ही आ गया है या कुछ और हो गया है घर में किसी का जन्म हो गया है तो हम कह देते कुछ नया हुआ कुछ नया हो रहा नहीं है समस्या ये है लोग कह रहे हैं नया साल मनाना है कुछ कह रहे हैं नया साल नहीं मनाना है मैं पूछ रहा हूं अरे नया कुछ हुआ कहा है मना लो अगर कुछ नया हुआ हो न मनाने की उत्सव ना करने की बात भी प्रासंगिक तब होती है जब पहले कुछ नया हुआ तो हो तुम तो मुझे दिखाओ कुछ नया हो कहाँ रहा है इकतीस से एक लग गई कुछ बदल गया क्या जीवन में नहीं बदला ना तो जो हमारे भीतर धूम मची हुई है जो हमारे भीतर उत्तेजना आवेग पैदा हो जाता है कि कुछ तो कर डाले कुछ तो कर डाले मैं उसको दबाने के लिए नहीं कह रहा मैं उसे समझने के लिए कह रहा हूँ हम समझे ना कि हमें सचमुच कुछ नया चाहिए पर हम क्या करते हैं अपनी बेहोशी में पुराने रहते हुए नए का अपने ऊपर आवरण डाल लेते हैं और आप अपने ऊपर कितने भी आवरण डालते रहो हा? कितने भी आप कपड़े बदलते रहो भीतर जो है बदल थोड़ी जाता है ये उदय ताजी कोट पैंट में आ गया मैं भी आ गया हूँ क्या बदल जाएगा कुछ बदल जाना इससे कुछ नहीं खेल की तरह ले लो तो अच्छा है मनोरंजन है पर गंभीरता से अगर ये उम्मीद बांध कर बैठे हो कि इससे कुछ परिवर्तन आ जाएगा वास्तव में तो छोड़िए ना निराशा मिलेगी बस दिल टूटेगा और दिल टूटता है दिल टूटता है जो चीज है ही नहीं उससे उम्मीद बांधोगे तो कुछ मिल कहां से जाएगा पुराने पर ही नया रंग रोगन कर दोगे तो वस्तु तो थोड़ी ही बदल जाएगी गाड़ी का इंजन खराब है जाकर लेकिन गाड़ी अगर इसलिए होती है कि मंजिल तक पहुंचाए तो कुछ नहीं बदला मंजिल तक ना वो पहले पहुंचा रही थी मंजिल तक ना वो आप पहुंचा रही है इंस्टाग्राम पे आप एक लुभावनी फोटो डाल करके लोगों को धता बता सकते हैं कुछ लोग सोचने लग जाएंगे कि शायद गाड़ी नहीं ले ली है बधाइयाँ वगैरह भी दे देंगे लेकिन कुछ बदलेगा नहीं आप मंजिल के निकट नहीं आ जाएंगे ये पुरानापन क्या है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ देखिए प्रकृति का प्रकृति माने क्या अच्छा कितने लोग हैं जो पहले किसी वेदांत महोत्सव में या शिविर में आ चुके हैं चलिए बहुत अच्छा मतलब मेरी बात समझ रहे हूँ कितने लोग हैं जो गीता समागम है उपनिषद समागम में हमारे साथ हैं ठीक है तो आप समझ रहे होंगे बात को प्रकृति माने फिर क्या होता है प्रकृति माने क्या ये सब कुछ जिस भी चीज की आप बात कर सकते हो जो भी दिमाग में अनुभव हो सकता है मन में कल्पना उठ सकती है उस समूची चीज को हम क्या बोलते हैं स्थूल प्रकृति किसको बोलते हैं ये स्थूल प्रकृति है ठीक ये 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 बाहर का आवरण है ये स्थूल प्रकृति है थोड़े भीतर का आवरण ये है ये भी क्या है ये भी स्थूल ही प्रकृति है और भीतर का आवरण एक होता है उसको फिर क्या बोलेंगे विचार उसके भी भीतर एक और फिर आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं वृत्ति वो फिर सूक्ष्म प्रकृतियां कहलाती हैं स्थूल वो है जो स्थूल क्या है है ना तो है लेकिन सब कुछ प्रकृति कोई ये ना कह दे कि विचार प्रकृति नहीं होते या भावनाएं प्राकृतिक नहीं होती सब कुछ प्राकृतिक ही प्राकृतिक है चाहे ये कुर्सियां हैं चाहे उस कुर्सियों से उन कुर्सियों से स्पर्श में आते ये जो कपड़े हैं चाहे उन कपड़ों के अंदर जो काया है चाहे उस काया में जो उठ गिर रहे विचार हैं चाहे उन विचारों के नीचे जो भावनाओं का प्रवाह है और चाहे उन सब चीजों के बिल्कुल नीचे जो मैं वृत्ति है ये सब क्या है ये सब क्या है या प्रकृति माने ये सब होता है जो हम कहते हैं प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए माने पेड़ पौधे इसको प्रकृति बोलते हैं उसको भी प्रकृति बोलते हैं हम साथ चल रहे हैं उसको भी प्रकृति बोलते हैं पर प्रकृति मात्र पेड़ पौधों पक्षियों पशुओं पर्यावरण तक सीमित नहीं है हम भी प्रकृति हैं इतना ही नहीं ये और ये कालीन और ये ऑडिटोरियम और आप जिन भी वाहनों पर आए हैं और बड़ी से बड़ी फैक्ट्री और बड़े से बड़ा एयरपोर्ट मनुष्य ने भी जो निर्माण करा है वो सब क्या है प्रकृति है ये बात अच्छे से पकड़िएगा मनुष्य का निर्माण भी प्रकृति ही है वो कुछ अलग नहीं हो गया भाई प्रकृति से जो उठे वो प्राकृतिक हम कहां से आए प्रकृति से तो हमसे जो आया वो कहां से आ गया वो भी प्राकृतिक ही है ठीक है हम इसमें खोजते रहते हैं कि हमें कुछ नया मिल जाए और चल सब पुराना ही पुराना रहा है आप जैसे आज यहां बैठे हुए हैं पिछले साल यहां कोई और बैठा था इसी दिन मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं वैसे ही न जाने कितनों ने करी है कितने ही लोगों से हर स्तर पर साधारण वक्ताओं से लेकर के स्वयं श्री कृष्ण तक श्री कृष्ण को भी यह कहना पड़ा कि अर्जुन तुम्हें क्या लग रहा है बातचीत हमारे तुम्हारे बीच पहली बार हो रही है क्या अर्जुन बोले मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता कि हमने ये बातचीत पहले भी करी है मैं तो अभी ही नहीं करना चाहता और आप कह रहे हैं कि हम पहले भी कर चुके हैं ये सब तो कृष्ण बोलते हैं बेटा मुझ में तुम्हें अंतर बस इतना सा है कि तुम्हें कुछ भी पुराना याद नहीं है मुझे सब याद है ना तुम्हें मनु याद है न तुम्हें इक्शवाकु याद है ना सूर्य याद है विवस्वान से लेकर रिक्शवाकु तक मैं ये बातें न जाने कितनी बार कितनों को बोल चुका हूं सदा बोलने वाला मैं ही रहा हूं और सुनने वाले तुम ही रहे हो अर्जुन बस हमारे नाम अलग अलग रहे हैं कुछ भी यहाँ नया हो नहीं रहा है और यही हमारी तरफ का कारण है और नया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम पुराने में ही नए को खोजने की कोशिश कर रहे हैं पुराना क्या है जो हम बने हुए हैं पुराना माने ये नहीं कि मेरा घर पुराना है मेरी गाड़ी पुरानी है मेरे रिश्ते पुराने हैं, मेरी देह पुरानी है जो हम बने हुए हैं वो बहुत पुराना है अहम वृत्ति है जो सबसे पुरानी है समय की शुरुआत पर बैठी हुई है वो जहाँ से अहम का उदय होता है वहीं से समय का प्रारंभ होता है और वो बदल ही नहीं रहा वो एकदम नहीं बदल रहा और मनुष्य आज से नहीं प्रागैतिहासिक काल से कोशिश कर रहा है कुछ नया पाने की हम जब पुराने से पुराने अवशेष देखते हैं और खुदाईयां होती हैं तो वहां पाया जाता है कि मनोरंजन की कोशिश वहां भी हो रही थी दो तीन चीज़ें हैं जो सब खुदाइयों इत्यादि में साझी मिलती हैं पहला भोजन और भोजन के लिए लड़ाई वगैरह दूसरा मनोरंजन और तीसरा धर्म के प्रारंभिक स्वरूप ये तीन बातें आप कितना भी पीछे चले जाते हैं दस हजार साल पहले फिर पचास हजार साल पहले फिर एक डेढ़ लाख साल पहले तो हर जगह देखने को मिलती है फर्क नहीं पड़ता कि खुदाई सिंधु घाटी में हो रही है कि मिस्र में हो रही है कि यूरोप में हो रही है कि अफ्रीका में हो रही है कि चीन में हो रही है यही जगहें हैं जहां पर ज्यादा हमें प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्रमाण आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हर जगह ये चीजें मिलती हैं और ये बताता है आपको कि पुराना क्या है क्या है पुराना ये मन पुराना है ये अहम वृत्ति पुरानी है वो कहती है मुझे खाना है वो कहती है खाने के लिए मुझे लड़ना है तो आपको तरह तरह के औज़ार मिल जाएंगे अलग अलग देशों में अलग अलग कालों में अलग अलग तरह के औज़ार मिल जाते हैं कहीं पत्थर के मिलते हैं कहीं धातु के मिलते हैं कहीं जानवरों की हड्डियों के मिलते हैं पर ऐसा हो नहीं सकता कि किसी तरह के अस्त्र मिले नहीं मिलते और मनोरंजन मिलता है मनोरंजन मिलता है इससे क्या साबित होता है वो जो बहुत पुराना आदमी था ना जो हमारी आपकी तरह लगता भी नहीं था जिसकी शक्ल भी हमसे अलग थी चित्र में देखा है ना वो आदमी आपने उसको भी मनोरंजन चाहिए था इससे क्या पता चलता है हमारी ऊब बहुत पुरानी है हम स्वयं से ही उबे हुए आपको लगता होगा कि आपकी उम्र 40 साल की है आप पिछले दो लाख साल से उबे हुए हैं और मनोरंजन के सारे उपाय कर रहे हैं मनोरंजन हो नहीं पा रहा कल के हृदय की बात कर रहे थे तुम तो। कुछ अब नाता बन रहा है मनोरंजन हो नहीं पा रहा और धर्म धर्म का उद्देश्य ही है प्रकृति से हमें मुक्त कर देना हम कोशिश पूरी करते जा रहे हैं प्रकृति से मुक्त हो नहीं पा रहे क्यों नहीं मुक्त हो पा रहे क्योंकि हम प्रकृति से मुक्त होने के रास्ते प्रकृति के ही भीतर ढूंढ रहे हैं प्रकृति से आसक्त रहते हुए बाहर निकलने का रास्ता है तो प्रकृति के ही भीतर पर जैसे हम ढूंढ रहे हैं जिन आंखों से हम ढूंढ रहे हैं जिस दृष्टि से हम ढूंढ रहे हैं जिन जगहों पर हम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं मिलेंगे नया कुछ हो सकता है निश्चित रूप से पर नया मांगता है साहस और नया मांगता है त्याग और नया मांगता है प्रेम से भरा हुआ हृदय अब प्रेम तो मीठी चीज है दिक्कत बस ये है कि वो लूट लेती है बड़ी कीमत मांगती है तो नया हमारे जीवन में आ सके ना हम उतना साहस दिखाते हैं ना उसका मूल्य चुकाते हैं करते क्या जाते हैं हम बस एक प्रकार का अभिनय दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा हुँ? आज नया साल है कहिए, दिल को बहलाने को गाली अजी हम आज भी मनाएंगे और मार्च में भी मना लेंगे अप्रैल में भी मना लेंगे ग्रेगोरियन और भारतीय क्या हमें बताइए हम अफ्रीकन भी मना लेंगे कुछ नया कहिए हो तो सही तड़प रहे हैं तलाश में नया कुछ होता ही नहीं वही हम वही तुम वही जिंदगी का आलम कहाँ कोई बदलता है और तुर्रा ये कि हम कई बार लोगों पे इल्जाम लगाते हैं तुम बदल गए <laughs> उसके बस की नहीं है बदलना काश कि वो बदल पाता काश कि हम बदल पाते ना मैं बदल पा रहा ना आप बदल पा रहे बदलाव आ कहाँ रहा है थोड़ा दम दिखाना होगा थोड़ी जान लगानी होगी हम्म मालूम है जब दिल में प्रेम होता है अभी मैंने कहा था ना प्रेम से भरा हुआ हृदय जब दिल में प्रेम होता है तो एक बड़ी विचित्र सी और विरोधाभासी सी चीज होती है एक तरफ तो कोमलता संवेदनशीलता आ जाती है और दूसरी तरफ आप बहुत कठोर और निर्मम हो जाते हैं और ये दोनों ही चीजें चाहिए जिंदगी में छुई मोई जैसी संवेदनशीलता इतने संवेदनशील इतने संवेदनशील की इंतहा नहीं और कठोरता भी चाहिए कठोरता नहीं होगी तो प्रेम जो मूल्य मांगता है जिस रास्ते पर भेजता है उस पर आप चल नहीं पाएंगे मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं उसकी पुकार सुनने के लिए बहुत संवेदनशील कान चाहिए मौन में फुसफुसाता है वो बहुत आपको शोर पसंद आ गया तो वो बुला रहा है उधर से लेकिन उसकी मुरली बहुत मंद होकर पहुंच रही है हम तक बहुत संवेदनशील कान चाहिए जिनके भीतर बहुत कोमल तंतु हों और एक बार आपने सुन ली उसकी पुकार उसके बाद उसकी ओर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए बहुत कठोरता चाहिए पत्थर है सामने और पत्थरों को काटने और तोड़ने के लिए आपका अस्तित्व भी पत्थर समान ही कठोर होना चाहिए ये दोनों बातें एक साथ बाहर पत्थर सी कठोरता भीतर एकदम नाजुक संवेदनशील सूक्ष्म हृदय कठोर हुए बिना काम नहीं चलेगा सिर्फ कठोर हो गए तो मर जाओगे मुर्दा देखा कैसे अकड़ जाता है हुँ? और कुछ दिन उसको और छोड़ दो कि मांस गल वगैरह जाए तो जो बचता है वो बस कठोर हड्डियां होती हैं ढांचा भर बचता है कठोर ही कठोर सिर्फ कठोर हो गए तो जड़ हो गए मुर्दा कठोर नहीं हुए तो ऐसे हो जाओगे जैसे पेड़ से झड़ा कोई पीला पत्ता एकदम ऐसा हाथ में लेकर के पीस दो वो हवाओं की दया पर है अब हवाएं उसको कहीं भी ले जा सकती हैं उसमें कोई दम नहीं कोई प्राण नहीं कोई संकल्प नहीं Osionfish. और किसी के भी पांव के नीचे आ जाएगा और मसल दिया जाएगा ऐसा इंसान कुछ नया पाएगा और सिर्फ ऐसा ही इंसान कुछ नया पाएगा जिसके पास दृढ़ता और कोमलता दोनों हो हमें दृढ़ लोग भी मिलते हैं वो कैसे होते हैं अभी अभी हमने कहा कैसे होते हैं वो डेड हाँ, मृत कठोर ही कठोर है फिर और हमें कोमल लोग भी मिलते हैं वो कैसे होते हैं वो कैसे होते हैं उनके लिए कोमलता माने भाव कोमलता माने कमजोरी ज्यादातर लोगों की कोमलता उनके लिए कमजोरी ही तो बन जाती है ना हाँ या ना वो दोनों जब मिलेंगे तो कुछ नया फिर घटित होता है यूं ही बैठे बिठाए नए का आगमन नहीं होगा जीवन में सत्य ही लगातार नवीन है उसके अलावा कुछ नया नहीं होता घड़ी की टिक-टिक हमें नए में नहीं पहुंचा सकता अब सत्य बोल रहा हूं तो कितने लोगों को समस्या हो रही है या सत्य से कुछ इशारा मिल रहा है मौन हमें जो चाहिए उसको मुक्ति कहते हैं आपने 2019 का स्वागत करा था फिर 20 का करा था फिर 21 का करा था 22 का 23 का कर रहे हो आप जानते हो आप पलक पावड़े किसकी आस में बिछाए बैठे हो उसको मुक्ति कहते हैं और वो सुबह सूरज के उगने साथ नहीं आती सुबह सूरज का उगना तो किसके क्षेत्र की घटना है प्रकृति के क्षेत्र की घटना है प्रकृति में लाख परिवर्तन होते रहे वहां कुछ नहीं बदलता भ्रम में मत आ जाना मैदानों से उठ के पहाड़ों पर पहुंच गए वहां हवा साफ है, व्यंगम नयना सब दृश्य है वहां नया है नया है अरे कुछ नया नहीं है प्रकृति के क्षेत्र में नहीं कुछ नया होता बाल काले थे भूरे करा लिए क्या बदलेगा और बदलना जरूरी है बदलने के लिए ही तो इंसान जी रहा है प्रकृति में पैदा हुए हैं हम है ना किस लिए किस लिए पैदा हुए हैं प्रकृति में ताकि प्रकृति से बोलिए सबकी जिंदगी है सिर्फ मुझे ही नहीं जीना है आपको भी ना हम प्रकृति में पैदा तो हुए हैं पर किस लिए ताकि प्रकृति से बाहर जा सके और प्रकृति से बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे या किसी और लोक में पहुंच जाओगे प्रकृति से बाहर जाने का मतलब होता है प्रकृति के बंधनों और दुख और छटपटाहट से बाहर जाना और बाहर जाने के बाद मृत्यु नहीं हो जाती प्रकृति से मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं आप जीते हो फिर और खुल करके जीते हो बिना किसी बंधन के जीते हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए क्या या एक रात का उत्सव चाहिए बीच बीच में अभी एक जनवरी को मना लिया है फिर एक अप्रैल के आसपास मना लोगे फिर उससे पहले अभी बीच में मकर संक्रांति और बैसाखी और होली भी आ जाए शायद और उसके बाद फिर जन्माष्टमी आएंगे रक्षाबंधन फिर तो उसके बाद नवदुर्गा दशहरा दिवाली और फिर पाओगे फिर से आ गया अब ये नया साल ये चलता रहेगा इनमें कुछ नया होता है क्या और इसमें अभी मैंने जो व्यक्तिगत हमारे नए के आडंबर होते हैं उनकी तो बात ही नहीं करी तीन बच्चे हैं तो तीनों का जन्मदिन आएगा बच्चों की अम्मा का और बापू का भी आएगा और सब दूर के रिश्तेदार हैं उनके भी तो आते हैं और सास ससुर है वो भी कभी पैदा हुए थे उनका भी आएगा जो मर गए हैं उनके श्राद्ध के दिन आएंगे और लगता है ये सब कुछ कुछ आया कुछ आया अरे कुछ आया ही नहीं काहे को उत्तेजित हुए जा रहे हो कुछ हुआ ही नहीं ना प्रसन्न हो सकते हैं ना उदास कुछ हुआ तो हो जो हो सकता है उसको हम होने नहीं दे रहे यहां प्रेम नहीं है अब अजीब एक हालत होती है प्रेम ही हिम्मत देता है प्रेम करिए तो हिम्मत उठती है पर प्रेम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए तो फंस गए हैं। उपचार क्या है उपचार है संकल्प उसी को मैं कहता हूं हमारे पास जो एक बड़ी से बड़ी हमको ताकत मिली है वो है चुनाव की किसकी चुनाव की उसी चयन शक्ति को संकल्प शक्ति कहते हैं आप चुन सकते हो और अब सुनिए बहुत ध्यान से प्रेम अचानक अनायास संयोगवश नहीं होता प्रेम एक चुनाव होता है वास्तविक प्रेम चुपचाप नहीं घट जाएगा वो ऐसा नहीं होगा कि चल रहे थे फिसल गए केले के छिलके पर पैर पड़ गया वास्तविक प्रेम वैसा नहीं होता जो चुपचाप हो जाए बिना आपकी चेतना की सहमति के हो जाए वो प्रेम भी फिर बस क्या है एक प्राकृतिक घटना प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही हो जाता है वहां यहाँ पे कहीं घड़ी लगी हुई है उसमें आपने पहन रखी होगी उसमें चल रहा है ना समय कांटा घूम रहा है ना घूम रहा है ना आपकी अनुमति लेके घूम रहा है आपका दिल आपसे पूछ के धड़क रहा है कुछ खा पी के आए होंगे वो पचरा होगा भीतर आपसे पूछ के पचरा है जैसे प्रकृति में सब कुछ अपने आप चलता रहता है वैसे ही प्रकृति में प्रेम भी अपने आप हो जाता है उसको हम प्रेम नहीं मानते जिस प्रेम की हम आज बात कर रहे हैं जिसका संबंध नए से है वो प्रेम चेतना का एक स्वतंत्र चुनाव होता है आप सोचते हो आप विचारते हो और आप जितना सोचते जाते हो जितना देखते जाते हो जितना ध्यान देते जाते हो उतना पाते हो कि अब आप विवश हो गए प्रेम करने के लिए अजीब बात बोली अभी बोला स्वतंत्र चुनाव अब बोला विवशता हमें वो स्वतंत्रता चाहिए जो हमें सत्य के आगे विवश कर दे हमारी स्वतंत्रता वो है जो हमें सत्य का विरोध करना सिखा देती है जो हमें सत्य का विरोध करने का अधिकार दे देती है सोच में आ रही है बात मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति से उसका चयन करता हूं जिसको चुन लिया एक बार तो उसको फिर अन चुना नहीं कर सकते राह ऐसी मैं चुन रहा हूं अपनी स्वेच्छा से जिस पर चल पड़े एक बार तो पलटने का कोई विकल्प नहीं ये करेंगे तो नए तक पहुंचेंगे समझ रहे हो अन्यथा तो समय का खेल है ये बताइएगा आप में से कितने लोगों ने घड़ी को कहीं पहुंचते देखा है घड़ियां तो सबके पास होंगी नहीं है चलती ही होंगी पहुंचती कहां है ये प्रकृति है इसीलिए इंसान को घड़ी बनाने में इतनी सुविधा होती है क्योंकि पता है कि उसे गोल गोल घूमना है कहीं भी कहीं भी पहुंचना नहीं है तो उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया और फिर यहां बांध भी दिया यही घूमना और यही बंधे रहना यह प्रकृति की निशानी है वर्तुल कैद वृत्त घूमो बंध जाओ दस हजार साल तक भी घड़ी चलेगी तो कहीं पहुंचेगी नहीं हमें भी जीने के लिए दस हजार साल दिए जाए और हम वैसे जिए जैसे जी रहे हैं और दस हजार नए साल आएंगे और हम कहीं पहुंचेंगे नहीं कुछ नया कभी घटेगा नहीं मरते रहेंगे जन्म लेते रहेंगे फिर मरेंगे फिर जन्म लेंगे कहीं पहुंचेंगे नहीं हम्म जो वृत्ति आपके भीतर बैठी हुई है वो कोई नई नई आपके रूप में पहली बार पैदा हुई है आपका व्यक्तित्व तो नया है आपका व्यक्तिगत अहंकार नया है पर जो वृत्ति हम में से हरेक के भीतर बैठी हुई है वो न जाने कितनी बार जन्म ले चुकी है और आगे भी कितनी बार जन्म लेगी मिला क्या मिला क्या कुछ मिल गया होता तो कुछ मिल गया होता तो यहां थोड़ी बैठे होते ना आपको मिला है ना मुझे मिला है कुछ मिल गया होता तो पैदा ही का हुए होते समझ में आ रही है बात कुछ सर लेकिन आ? बीच में आपको रोकना चाहूंगा आ? आपने बीच में एक बात कही थी कि उसको चुनना पड़ता है और उसके बाद कुछ जीवन में वास्तविक नया घटता है लेकिन हम जो भी कुछ एफर्ट्स मारते हैं जो भी चेष्टाएं करते हैं वो सारी होती हैं इस प्राकृतिक तल पर ही तो ये पूरा डायमेंशनल कैसे उसको चुने कैसे देखो बहुत सरल है एकदम आसान है कोई राज नहीं है पहले ही बहुत बार बता चुका हूं आज नया साल है तो एक नए तरीके से दोहरा देता हूं हम में से कोई भी पूरी तरह विवश नहीं होता ठीक हम में से जैसे कोई पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता ना वैसे ही कोई पूरी तरह परतंत्र भी नहीं होता न हम पूर्णतया स्वश है न पूर्णतया परवश है तो कुछ तो आपके जीवन में विकल्प होते हैं ना कि क्या खाना है आपको इसमें कोई सार्वभम तल की आजादी नहीं है कि क्या खाना है लेकिन विकल्प तो होते हैं कि नहीं होते हैं होते हैं ना आप एक रेस्टोरेंट जाते हो वहां मेन्यू रख दिया जाता है सामने आप अपने घर पर भी हो तो भी रसोई में कई तरह के विकल्प होते हैं आप ये भी बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं आप फ्रिज खोलते हैं उसमें केला भी रखा होता है अंगूर भी रखा जो खाना है खा सकते हैं आप होते हैं ना विकल्प जीवन में ऐसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पचास विकल्प होते ही होते हैं कुछ प्रत्यक्ष कुछ जरा छिपे हुए तो उस सत्य की ओर बढ़ने का तरीका यह होता है कि मान लो तुम्हारे पास दस विकल्प है ठीक है तो चेतना की आंख से यह देखना कि विकल्प ऐसे ऐसे कोई भी विकल्प इतना बुरा नहीं है कि कह दो लोक वाला विकल्प है क्योंकि इतने बुरे तो हम लोग ही नहीं है भाई हम पूरी तरह बुरे भी कहा हो पाते हम पूरी तरह तो कुछ भी नहीं है तो, लेकिन कुछ विकल्प होते हैं ऐसे जो मन में घूम रहे होते हैं पापी मन है जो एकदम निचले तल के होते हैं तो यहां से मान लो शुरुआत कर कुछ विकल्प होते हैं जो इतने ऊपर के होते हैं हमसे ऊपर के होते हैं <Pan> माने <expense striking> हम जैसे हैं हमसे बेहतर होता है जो हमारा विकल्प है तो ये दस विकल्प है मान लीजिए आपके पास ग्यारहवा नहीं है अभी हम इस लायक नहीं है इस काबिल नहीं है कि ग्यारहवा नहीं है ग्यारहवा होता तो और ऊंचा होता मान लो छत जितना ऊंचा होता ठीक है काश की ग्यारहवा होता है नहीं दसवां तो है

हाँ तो उससे क्यों फिर बेवफाई करते हो यही प्रेम है जो एप्सोल्यूटली हाईएस्ट है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग जरा भी अभी विचलन नहीं इस समय पर जो एप्सोल्यूटली हाईएस्ट है वो आपको मिलेगा रिलेटिवली हाईएस्ट चुप हो रहा हूं ताकि ये बात थोड़ा भीतर घुसे मुक्ति का अर्थ है कि जो उच्चतम है जो पूर्णतया अतीत है उच्चता से भी अतीत है आकाशों के भी पार है उसको पा लेना है ना पर उसकी बात करते ही एक थकान सी छाती है कहते इतनी ऊंचाई कहाँ से मिलेगी और कैसे होगा हम छोटे लोग हैं हो नहीं नहीं पाएगा तो निराश होने की जरूरत खुशखबरी है खुशखबरी क्या है अगर उस तक भी पहुंचना है जो दृष्टि से भी अतीत है तो बस उससे दिल लगा लो जो ऊंचे से ऊंचा दृष्टि में आता है जो नजरों के पार है उसको देख पाने की तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं।, नहीं ना नहीं ना हाँ तो कम से कम नजरों में जो ऊंचे से ऊंचा आता है चुनाव करो संकल्प करो कि इसके साथ रहना इससे नहीं हटना समझ में आ रही है बात श्री कृष्ण कहते हैं पर्वतों में हिमालय हूं आप समझिएगा अच्छे से श्री कृष्ण कहते हैं पर्वतों में हिमालय हूं श्री कृष्ण अपनी तुलना किससे कर रहे हैं किससे कर रहे हैं हिमालय से अब श्री कृष्ण की ऊंचाई क्या बस माउंट एवरेस्ट जितनी है आठ हजार आठ सौ अड़तालीस फीट इतनी है ना माउंट एवरेस्ट हाँ मीटर हाँ तो श्री कृष्ण का कद इतना ही है जब हम कहते हैं कृष्ण जब हम कहते हैं कृष्ण माने आत्मा कृष्ण माने ब्रह्म तो उनका कद कितना हुआ कितना हुआ कितना कितना 8,850 थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट से ऊपर ऐसे बोले कितना बोले अरे खुल के बोलिए ना अनंत अनंत लेकिन अपनी तुलना वो फिर पर्वतराज हिमालय से क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र क्या दिया था एब्सोल्यूटली हाइएस्ट विल बी ऑप्टेन थ्रू शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं वृक्षों में कल्प वृक्ष हूं नदियों में गंगा हूं गायों में कामधेनु हूं ये आप देख रहे हैं क्या इशारा चल रहा है समझिए पकड़िए पकड़िए जो कुछ भी प्रकृति के भीतर सर्वोच्च है तुम उसको पकड़ लो बस कृष्ण तक पहुंच जाओगे और फिर वहां है नयापन प्रकृति को त्यागना नहीं है प्रकृति में तलाशना है विवेक से तजबीजना है छन्नी की तरह छानना है यही प्रेम है पराप्रेम के लिए संतों ने प्रेम मार्गियों ने शर्त बताई अपराप्रेम सूफियों ने कह दिया इश्क 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 हकीकी हकीकी नहीं नहीं हो हो सकता सकता बोलो 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 संजय है आ, गोवा में मजाजी के बिना तुम कैसे उस परम सत्ता के प्रेम में पड़ जाओगे जब तक तुम्हें दुनिया में वो नहीं मिला जो तुम्हें उससे जोड़ दे अपराप्रेम मतलब प्रकृति के भीतर का ही प्रेम और पराप्रेम माने प्रकृति से परे का प्रेम अब जीवन के जिन भी क्षेत्रों में सक्रिय हैं वहां जो उच्चतम हो सकता है उसकी ओर हाथ बढ़ाइए ना हा, उसकी ओर हाथ बढ़ाना आसान नहीं होता कीमत लगती है। लगती है है श्री राम के जो साथ हुए थे उनमें से न जाने कितने मारे गए नहीं मारे गए हमें ये तो याद है कि रावण का पूरा खानदान मिट गया और वानर सेना में जितनी मौतें हुई उनको हम भूल क्यों जाते हैं राम का साथ आसान तो नहीं होता ना एक छोटी गिलहरी है उसको भी अपनी सामर्थ्य अनुसार लगकर मेहनत करनी पड़ती है वो हम नहीं करना चाहते तो फिर हम कहते हैं राम का साथ कौन करे वहां बड़ी मेहनत है छोड़ दीजिए सारे भ्रम हटाइए सारे बहाने हम बहाना ये करते हैं कि कोई हमें उतना ऊंचा मिल नहीं रहा जो एब्सल्यूट माने पूर्ण तक ले जा सके या कि पूर्ण नहीं मिल रहा मैं आपको बार बार बोलता हूं पूर्ण नहीं मिलेगा पूर्ण को ले जाने वाला रास्ता मिल जाए इतने में अनुग्रहित रहना और रास्ता तो रास्ता होता है रास्ता मंजिल तो नहीं होता रास्ते में तो कांटे भी होंगे दोष भी होंगे रास्ता तो प्रकृति के भीतर का ही है रास्ते में तो दिव्यता तो नहीं पाओगे जो मंजिल में होती है हालांकि इस पर भी प्रेमियों ने थोड़ी दूसरी बात बोल दी है उन्होंने कहा नहीं बाबा मुझे मंजिल से ज्यादा रास्ता पसंद है मंजिल से ज्यादा मैं रास्ते का ऋणी हूं मंजिल ने तो भटकता छोड़ दिया था सहारा तो रास्ते नहीं दिया समझ में आ रही बात हुँ? यही करना है बस अपने प्रत्येक निर्णय में पूछिए क्या ये उच्चतम है एक एक शब्द जो निकले एक एक कर्म जो करें पूछिए क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूं अब थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाइए आपकी बेहतर होने की उत्कंठा को देख करके मंजिल आपको खींच लेगी सहारा दे देगी आचार्य जी आप कर्ता भाव को नहीं बढ़ा रहे हैं आप कह रहे हैं कि थोड़ा बेहतर होते जाओ होते जाओ एक दिन बिल्कुल अंतरिक्ष पार कर जाओगे ना मैं कह रहा हूं तुम अपना प्रेम दर्शाओ प्रेम दर्शाना कर्ता भाव नहीं होता तुम अपना प्रेम दर्शाओ जैसे कोई छोटा बच्चा हो हम्म उसका कोई चीज़ चाहिए जो बहुत महंगी आती है और बहुत छोटा है वो क्या करता है अपनी गुल्लक में सिक्के जोड़ता है रुपए दो रुपए पांच दस रुपए वाले और एक दिन आता है दुकानदार के पास और बड़ी दुकान वाला बड़ा दुकानदार इशारा समझिएगा बड़ी दुकान बड़ा दुकानदार ऊंचा माल वो उसके पास आता है गुल्लक ही लेके आता है और उसके सामने गुल्लक फोड़ देता है कहता है ये जितना है, ये सब ले लो मुझे वो दे दो अब वो जो ले करके आया है कुल राशि वो बच्चा वो कुल मिला करके दो सौ चार सौ रुपए से ज्यादा नहीं है बच्चा और कितना जोड़ेगा बेचारा पर बच्चे को प्रेम लग गया है तो उसने इतना जोड़ लिया जितना जोड़ सकता था उसने उतना कर लिया जो वो अधिकतम अपनी सामर्थ्य से कर सकता था और दुकानदार कहता है मेरे लिए इतना काफी है कि तूने अपना प्रेम दर्शा लिया वो जो चीज तू मांग रहा है वो करोड़ों की है ले जा लेकिन तूने करोड़ों चुकाए नहीं लेकिन फिर भी तू अधिकारी हो गया क्योंकि प्रेम है तुझमें बात समझ में आ रही है आप वो तो करिए जो आप कर सकते हैं अपने तल पर उसके बाद अनुकंपा होती है उसके बाद घटनाएं अपने आप घटती हैं आप रिलेटिवली बेस्ट करिए एब्सल्यूटली बेस्ट अपने आप हो जाता है आप वो करिए जो आप अधिक से अधिक कर सकते हैं उसके बाद वो करेगा जो उसको करना है हम वही नहीं कर रहे हैं जो हम कर सकते हम छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं हम ज्यादा बुद्धिमान ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं हम कहते हैं वो माल करोड़ों का है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं पाँच सौ हज़ार से ज़्यादा जुटा नहीं सकता तो मुझे वो माल कैसे मिलेगा आप अगर पांच सौ हजार के ही हो तो आप एक हजार एक जुटा कर देखो बस आप उस परम सत्ता को संदेश भेजो कि एक हजार की मेरी औकात थी तेरी खातिर कराए और जान लगा दी एक हजार एक पहुंचने में खून बहा दिया है फिर देखिए कि आपके एक हजार एक के बदले में करोड़ों बरसता है कि नहीं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा इतना तो स्पष्ट है ना समझ में आ रही है बात इस बात से हमें जबरदस्त प्रेरणा का संचार हो जाना चाहिए रिलेटिवली बेस्ट हो जाइए एब्सल्यूटली बेस्ट अपने आप हो जाएंगे रिलेटिवली बेस्ट होने का काम करना है आपको और एब्सोल्यूटली बेस्ट करने का काम करना है पता नहीं किसको वो अपने आप होता है तो हमारी फिर समस्या ये है कि हमने वही नहीं करा है जो हम कर सकते हैं जो आप कर ही नहीं सकते वो करने की उम्मीद आपसे कोई नहीं करेगा वो बात अतार्किक होगी आप में से कई लोग माँ बाप होंगे आपके बच्चे होंगे बच्चा है छोटा ऐसे आप, आप आप ही टहल रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं मान लीजिए आड़ू के पेड़ हैं या आम के पेड़ हैं आम के भी बहुत उछल नहीं जाते आप अपने बच्चे के साथ ऐसे ही किसी बाग में टहल रहे हैं और बच्चा आप पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और बच्चा उछल रहा है उछल रहा है उछल रहा है वो आम पाना चाहता है आड़ू पाना चाहता है या अंगूर की बेल है वहाँ अंगूर का गुच्छा है वो अंगूर पाना चाहता है आप उसको देख रहे हैं उछल रहा है उछल रहा है फिर आप क्या करते हैं वो उछले ही जा रहा है अपनी पूरी जान लगा के उछल रहा है फिर आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप कहते तू उतना उछला जितना तू उछल सकता था तुझे आगे उठाने का काम आप भूल क्यों जाते हैं कि एक बाप भी है वो उठाता है लेकिन वो बच्चा ही अन्य मनस के उसको अंगूर चाहिए ही नहीं या आम चाहिए ही नहीं वो ऐसे चल रहा है तो बाप सहायता करेगा क्या आपने इतनी जोर से कभी शोर मचाया है आप मचाते ही नहीं उतना शोर मैं भी जो ये बोले जा रहा हूं पंद्रह साल से क्या कर रहा हूं शोर ही तो मचा और क्या है इन बातों में कोई दम है ये कुछ नहीं है शब्द तो शब्द होते हैं बेकार कचड़ा पर शोर मचा रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा कोई उठा लेगा जिसके लिए शोर मचा रहा हूँ वही नीचे को हाथ बढ़ाएगा उठा लेगा कहेगा जितना तू कर सकता था तूने किया छोड़ना ये मत कहिए कि बात बहुत दूर की है अधिकतम करिए तो सही हम साथ चल रहे हैं समझ रहे हैं बात को। कोई ए, एक बात और बोले कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं जो करते हो उसमें पूछो जो कर रहा हूं इससे कोई बेहतर विकल्प नहीं है क्या मेरे पास मुझे कौन सी मजबूरी है कि जो कर रहा हूं वही करते रहना है थोड़ा तो बेहतर हो जाऊं और फिर थोड़े बेहतर होते ही रहो होते रहो यही जिंदगी है मुक्ति की और अनवरत यात्रा और क्या और क्या हाँ सर अभी जो पूरी बात हुई इसमें अपनी यात्रा की बात करी धीरे धीरे उस और बढ़ने की बात करी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि इस पूरी मैकेनिज्म में समय एक रोल प्ले कर रहा है पर मुझे अभी कुछ दिनों पहले का शायद परसों का ही आपका एक संदेश था यदि इजाज़त हो तो क्या मैं वो पढ़ सकता हूँ काफ़ी लोग यहाँ पर शायद इस बात को पहली बार पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा इसका संदर्भ इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगा आचार्य जी जैसा हम सभी जानते हैं आचार्य जी के पिताजी भी जिस पूरे मिशन में इस पूरी संस्था में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं पर तबीयत खराब होने के चलते वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वेंटिलेटर पर हैं तो उन्हीं से जब मिलने आचार्य जी गए थे शायद कल या परसों की बात है तो उन्होंने एक बात हमें लिखकर भेजी थी हम सभी संस्था में काम करने वाले लोगों को तो मैं उसको आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा और फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा संदेश कुछ ऐसा था कि त्रिपाठी जी वेंटिलेटर पर हैं गंभीर हैं पुराने फोटोज देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो मैं नौ साल का उनके साथ खड़ा रहा वह वीस वर्षीय बैडमिंटन रैकेट के साथ थे हालांकि उम्र के साथ वो थोड़े धीमे होने लगे थे लेकिन उनका नियंत्रण और उनके ड्रॉप शॉट्स बेहतरीन थे पढ़ाई में वो काफ़ी समय तक मेरे मैथ्स के इंग्लिश के हिंदी के टीचर रहे संस्कृत और हिस्ट्री के भी लेकिन कुछ टिकता नहीं है ये बहुत समय पहले की बात नहीं है कल पर भरोसा मत करो किसी भी दिन को व्यर्थ मत जाने दो उसको पूर्णता दो हम सब यहाँ मरने के लिए ही हैं जीवन को तुम्हारी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो छिन जाएगी किसी भी चीज़ को व्यर्थ ही अपने पास मत छोड़ो उसको उसकी संभाव संभावनाओं तक उसको लेकर जाओ ये बहुत अजीब था जब मुझे अपनी ही माँ को यह याद दिलाना पड़ा कि जब दो लोग साथ होते हैं तो दो में से एक पहले चला जाता है साल कोई मायने नहीं रखते कुछ जैसे कल ही हुआ था लेकिन समय भ्रम है आपने इस संदेश को इस बात से खत्म किया था कि समय भ्रम है पर यहाँ जो पूरी अभी चर्चा हुई मैं देख रहा था कि यहाँ पे समय का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है तो फिर ये बात क्या है समय उसी अर्थ में भ्रम है जिस अर्थ में हम आमतौर पर नया साल मनाते रहते हैं कि सोचोगे कि समय के बीतने के साथ पुराना जो है वो बीत जाएगा और नया अपने आप आ जाएगा समय बीतता है पुराना नहीं बीतता समय बीतता है पुराना नहीं बीतता यह ऐसे कह लो कि समय के साथ एक तरह की पुरानी चीज बीत जाती है और दूसरे तरह की पुरानी चीज आ जाती है समय बीता तो एक तरह का पुरानापन बीत गया और दूसरे तरह का पुरानापन आ गया तो आप यह भी कह सकते हो कि एक पुराना साल बीता है और आज कहिए दूसरा पुराना साल शुरू हो गया नया साल नहीं शुरू हुआ है ऐसे भी कह सकते हो पिताजी अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं मैं घर पर ही था आज तो बारह बजे उनसे मिलने का समय था उनका फेफड़ा दिल किडनी लिवर सब एक साथ ही गड़बड़ कर रहा है काफी तो बारह बजे उनसे मिलने का समय था माँ को पता था यहाँ पे है दो बजे तो मुझे अपने साथ ही नहीं ले गई अस्पताल उन्होंने कहा नहीं जाओ कुछ होगा तो बता देंगे फ़ोन पर मुझे लगता है इसमें कुछ नयापन है है ना एक वृद्ध पुराना व्यक्ति जिसके साथ हमें डर लग रहा है कि वही पुरानी घटना न घट जाए कहीं जिसको हम मृत्यु बोलते हैं एक महिला से उस व्यक्ति का संबंध है जिसे मैं अपनी माँ बोलता हूँ और पति पत्नी में मोह का ही रिश्ता होता है और बच्चों का बाप से भी वैसा ही रिश्ता लेकिन वो महिला मुझसे बोल रही है नहीं ज़रूरत नहीं है जाओ कुछ होगा तो बता देंगे विकल्प पर अमल करने की बात है हो सकता है कह देती कि नहीं रुक जाओ देख लो कुछ पता नहीं देख लो ये विकल्प भी उनके पास था और ये विकल्प भी उनके पास था कि कह दिया जाओ तो सबके पास होते हैं विकल्प उनमें जो उच्चतम है उसको पकड़ना होता है उसी की इतनी देर से हम बात करे जा रहे हैं अब ये सब बातचीत समाप्त होगी तो सबसे पहले मैं फ़ोन की ओर भागूंगा जो हमारे साथ हो रहा होता है हमें लगता है नया है है ना? समय भ्रम इसीलिए है क्योंकि आज जो हो रहा है वो 2000 साल पहले भी हुआ था 20000 साल पहले भी हुआ था 40000 साल पहले भी हुआ था लेकिन समय हमें ऐसा दर्शाता है जैसे हमें पहली बार हो रहा हो आपको प्रेम हो जाता है आपने देखा है कैसी पुलक उठती है जीवन में कुछ समय के लिए कैसी गर्मी कैसी उत्तेजना आ जाती है और तब ऐसा ही लगता है जैसे एकदम कुछ नया हो गया जीवन में सब कुछ नया हो जाता है चांद तारे सूरज ये भी नए हो जाते हैं जो आपके साथ हो रहा है वही पाँच हज़ार साल पहले किसी के साथ हुआ था पाँच हज़ार साल पहले से लेकर आज तक वो प्रतिदिन करोड़ों लोगों के साथ होता रहा है लेकिन फिर भी हमारी बेहोशी ऐसी कि हमको लगता है हमारे साथ कुछ नया हो गया जन्म होता है किसी बच्चे का वो बच्चा बहुत पुराना है उसके भीतर लाखों करोड़ों साल के शारीरिक संस्कार बैठे हुए हैं पर हम कहते हैं किसी नए बच्चे ने जन्म ले लिया है मैं कहा करता था कि जब कोई अपनी उम्र बताए बच्चा तीन साल का है उन्होंने तो तीन साल का नहीं है तू एक करोड़ तीन साल का है पीछे वाले एक करोड़ तुझे याद नहीं है है तू एक करोड़ तीन साल का तीन साल तुझे अभी इस देह में है तो वो पता चलता है कि तू इतना है।, है तो तू बहुत पुराना हम में से भी जिसकी जो उम्र हो उसमें एक करोड़ साल जोड़ दीजिएगा आप उतने साल के हैं और उतने साल के आप बस सांकेतिक रूप से नहीं है आप वास्तव में उतने साल के हैं ये शरीर कितना कितना पुराना है आप नहीं कल्पना कर सकते हमारे डीएनए में जो सामग्री बैठी है वो क्या उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन हमारा जन्म हुआ या जिस दिन गर्भाधान हुआ था ना जानते हैं एक नई बात क्या चल रही है इस पूरे ब्रह्मांड का गौर से सुनिएगा इस पूरे ब्रह्मांड का इतिहास तलाशा जा सकता है अगर पूरी तरह हम इंसान के डीएनए को डिकोड कर लें हम इतने पुराने हैं ब्रह्मांड में आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं उनके चिन्ह उनके प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में छुपे हुए हैं ठीक वैसे जैसे बहुत पुरानी बर्फ के नीचे पुराने अवशेष मिल जाते हैं कि नहीं पुरातत्व तो शास्त्री यही तो करते रहते हैं ना बहुत पुरानी बर्फ है उसके नीचे उन्हें पता है कि जो चीज़ है वो सड़ी नहीं हुई खराब नहीं हुई होगी तो उसमें वो नीचे घुसते आते हैं घुसते जाते हैं सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे जाकर के उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जो अभी थोड़ा ताजा रखा होता है और उससे उनको इतिहास को जानने में मदद मिलती है है ना उसी तरीके से मनुष्य की कोशिकाओं के भीतर भी बहुत 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 पुरानी जानकारी रखी हुई है हम इतने पुराने लोग हैं इसलिए मैंने लिखा था कि टाइम इज एन इल्यूजन समय भ्रम है जैसे कि घड़ी को भ्रम हो गया हो कि वो चार किलोमीटर चल आई है फिजिक्स की भाषा में साधारण भौतिकी में इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो शून्य है हाँ तुम यही नापोगे कि टू पाई आर टू पाई आर उसने कितना करा है तो बहुत सारा करा है लेकिन उसका उसके केंद्र से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना तो मनुष्य को आप घड़ी का कांटा समझ लीजिए मनुष्य चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है लेकिन केंद्र से बंध कर चलता है घड़ी इतना चलती है लेकिन फंसी रहती है ना अपने केंद्र में उसी केंद्र का क्या नाम है अहम वृत्ति और उसको केंद्र में रख के घड़ी चल रही है इस घड़ी का नाम समय है जीवन है कुछ नया नहीं होता इसमें हमने ही कहीं पर उसमें लगा दिया है कि बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे आप ये भी उसमें लगा सकते हो मान लीजिए आप इतना कर दें घड़ी में कि जहाँ बारह लिखा है उसकी जगह छह लिख दें और जहाँ छह लिखा उसकी जगह बारह लिख दें कोई फर्क पड़ेगा कांटों को आप उसी अनुसार सेट कर दीजिए कुछ फर्क पड़ेगा क्या तो वैसे ही आप एक जनवरी को मनाओ कि एक मार्च को बनाओ कि अप्रैल को मनाओ क्या फर्क पड़ना है ये तो ऐसा सा है जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन डिफाइन कर रहे हो आपकी मर्जी है कहीं भी डिफाइन कर दीजिए समझ में आ रही है बात यह नया कैसे मिलता है हमने क्या बोला पल पल जो चुनाव करने हैं उनमें चेतना के पक्ष में उच्चतम चुनाव करो और हम सब जानते हैं कि उच्चतम क्या है हमारे पास जो चुनाव है ना उन्हीं को जांचना सीखो उन्हीं को पूछो और और बेहतर कुछ कर सकता हूँ और बेहतर कुछ सोच सकता हूँ और बात बन जाएगी इतनी छोटी सी बात है और कुछ नहीं करना है अपनी ही जिंदगी को देखना है अपने ही विकल्पों को तलाशना है और बात बन जाएगी और नया कुछ भी नहीं करना होता मैं कुछ कह पाया हूँ अब आप लोगों को देख रहा हूँ मैंने कुछ कह रहे थे आप लोगों से मैंने पूछा कितने लोग पहले शिविरों में आ चुके हैं अधिकांश लोगों ने हाथ उठाए गीता में भी मेरे साथ आप में से बहुत लोग हैं उपनिषदों में भी साथ रहे हैं तो ये देख करके अभी एक ताज़ा ताज़ा ख्याल आया है वो कह देता हूँ देखिए मैं कोई बड़ी ऊँची कोई बड़ी नई बात बोल नहीं रहा हूँ बात उसको सुनने की नहीं है कि सुनते ही जा रहे हैं सुनते ही जा रहे हैं बात उसको जीने की होती है आपके संदेश आते हैं उनमें कई बार आप बड़ी कृतज्ञता बताते हैं आपका स्नेह होता है आपका धन्यवाद होता है आपके संदेशों में जो एक चीज है जो आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए वो है कि जो बात आपको समझ में आने लगी है उसको जिए सिर्फ उसी से सिद्ध होगा धन्यवाद कृतज्ञता यदि है तो जीवन में दिखाई दे सामने आ के दहाड़ना पड़ेगा खुल करके जीना पड़ेगा उसके अलावा नहीं कोई विकल्प होता है हम्म कह रहा था ना मैं कि प्रेम हिम्मत मांगता है ये चोरी छुपे वाली चीज़ के पक्ष में आपके भीतर जो भी तर्क हो उन तर्कों को खारिज करें कृपया जो चोरी छुपे वाला प्रेम होता है ना कि हम छुप छुप के करते हैं ये नहीं चलेगा मैं आपके और अपने रिश्ते की बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर हमारे बीच वास्तव में कोई रिश्ता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हो जैसी कोई आम आदमी जीता है मुझे अपने होने पर और अपनी बात पर घिन आएगी आप अगर कहते हो कि आप दो साल से मेरे साथ हो कितनी बार मिल भी चुके हो और कई लोग तो पाँच पाँच छः छः साल दस वर्ष वाले भी हैं जो कहते हैं कि दस दस साल से आपको सुन रहे हैं देखिए लोगों ने मुझे नहीं सुना हो तो मुझे एक उम्मीद रहती है मुझे लगता है कि ये मुझे सुनेंगे तो जिंदगी बदलेगी दुनिया बदलेगी कुछ नया होगा मुझे उम्मीद बनी रहती है वो उम्मीद मेरी ऊर्जा रहती है पर जहाँ मुझे ये दिख जाता है ना कि कोई मेरे साथ भी रहा है पाँच साल सात साल से और फिर भी नहीं बदला तो फिर मेरी भी हिम्मत टूटने लगती है जैसे रीढ़ पर किसी ने मार दिया हो फिर मुझे लगता है कि कुछ भी करने से फ़ायदा क्या है अगर जिनके लिए किया जा रहा है उनको लाभ ही नहीं हो रहा तो मैंने एक आम जिंदगी नहीं जी है कोई चाह नहीं था कि मुझे बिल्कुल अलग उत्कृष्ट निराला एक्स्ट्राऑर्डनरी करना है लेकिन कुछ अलग होता गया होता गया हो गया तो ये कैसे संभव है कि आप मेरे साथ हैं और आपकी ज़िंदगी वही पुरानी आम जिंदगी ही है कि आप कहीं बस में जा रहे हैं और बस के आम यात्रियों जैसे ही दिख रहे हैं आप सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं और आप भी चार रुपए के लिए बहस करते किसी आम खरीदार जैसे ही है ये इतनी चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूं अगर हमें वैसे ही चलना है जैसे हम हैं तो हम यहाँ एक दूसरे के आमने सामने कर क्या रहे हैं स्वांग आप कहते हो नहीं हमने समझ लिया है हमारे भीतर भीतर परिवर्तन आ गया है लेकिन बाहर बाहर तो देखिए दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है फिर आप दुनिया के साथ ही चल लीजिए मुझे छोड़ दीजिए मुझे माफ़ करिए बिल्कुल डर मुझमें भी रहा है संदेह मुझ में भी रहे हैं लेकिन फिर भी लगभग शत प्रतिशत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जितना मैं दहाड़ सकता था ललकार सकता था मैंने किया है बाकी इंसान हूँ त्रिटियाँ होंगी दोष होंगे कहीं पर मैं भी शायद डर के पीछे हटा होऊंगा, उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन लगभग जितनी दूर तक जा सकता हूँ और जितनी जोर से पुकार सकता हूँ मैं कर रहा हूँ मैं ये कैसे देख लूँ कि मेरे साथ के लोग दब्बू हैं मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप आकर के संस्था के लिए कुछ करें मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे पक्ष में दहाड़े आप जहां हैं वहीं पर आपकी जिंदगी में एक रौनक एक तेज एक नूर दिखना चाहिए ना मोहल्ले के दस लोग खड़े हुए हैं उसमें एक आप भी खड़े हुए हैं और कोई अंतर ही नहीं दिख रहा न हस्ती में ना बातों में ना निर्णयों में ना कर्मों में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा तो आपको नया होना चाहिए वही नया साल होगा ऐसे थोड़े ही है कि घर में पांच लोग हैं या आठ लोग हैं उनमें से एक है जो इस वक्ता को प्रशांत को सुनता भी है पढ़ता भी है लेकिन उस एक में और बाकी जो छह सात हैं उनमें कहीं कोई अंतर ही नहीं कोई भेद ही नहीं तो हटाइए फिर वही फिल्में जो बाकी छह देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं वही बातें वही गॉसिप जो बाकी छह कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं बाकी छह भी बैठ के रात में दूध मलाई उड़ा रहे हैं आप भी उड़ा रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ के हैं ना तो आप उन्हीं के साथ के हो जाइए मेरे साथ मत रहिए फिर मुझे अकेले चलने का बड़ा अनुभव है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग हो भी जाएंगे मैं अकेला ही भला जैसे अभी कह रहे थे ना कि पर्वतों में हिमालय वैसे ही सच का बंदा जंगल में शेर होता है आपकी दहाड़ कहाँ है चूचू चींची और मिमियाना मियाऊ थोड़ा अभी कटु इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैंने इंसान से उम्मीद नहीं खोई है और जो लोग मेरे साथ आ जाते हैं उनसे तो दोष है मेरा लेकिन उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हो जाती हैं मैं उन्हें बहुत बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं आपको इतिहास पुरुष होना है आप साधारण बंदा रहने के लिए और एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं इतिहास पुरुष जानते हो किसको बोलते हैं जो समय की धारा को मोड़ दे उसको बोलते हैं उसी में नवीनता है अभी थोड़ी देर बाद हम विदा हो जाएंगे आप घर जाएंगे आप क्या करेंगे आज एक तारीख है आज जश्न होगा आप वैसे ही हो जाएंगे यहाँ इतने जवान लोग भी बैठे हुए हैं तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल नहीं है क्या तुम्हारे गले में आवाज नहीं है और जो थोड़ा प्रौढ़ लोग बैठे हुए हैं वो आम तौर पर अपने अपने घरों के मुखिया होंगे आप अपने घर के मुखिया हो फिर भी गुलाम हो क्या मजबूरी है हाथ में अभी आपके टीवी का रिमोट आ जाएगा आपके पास विकल्प नहीं है क्या बोलो ना रिमोट का तो मतलब ही होता है विकल्प उसका नाम ही है रिमोट कंट्रोल या उसका नाम है रिमोट कंट्रोलर यू आर सपोज टू यूज इट टू कंट्रोल प्रकृति उल्टा होता है ना क्या वो पर्दा आपको कंट्रोल करता है इसके माध्यम से रिमोट के माध्यम से वो विकल्प कहां है वो चेतना कहां है जो पूछे कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो अनिवार्य है जरूरी है मजबूरी 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 मजबूरी, मजबूरी. मजबूरी करते करते राख हो जाना एक दिन और फिर कहना आप अब कोई मजबूरी नहीं है सर मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा इसमें मैंने देखा है कई बार लोगों के पास ये तर्क होता है कि देखिए ये सब कुछ करना तो आचार्य जी के लिए आसान था वो आचार्य जी हैं पर हम कहाँ कर सकते हैं तो ये जो आप मजबूरी की बात कर रहे हैं ये जो कुतर्क है इससे कैसे ये कुछ भी आसान नहीं था एकदम आसान नहीं था एकदम भी आसान नहीं था पता नहीं क्यों आपको अपने लिए बहाना बनाना है कि मैंने या किसी और ने कुछ कर लिया तो वो उसके लिए आसान था और आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपकी मजबूरियाँ हैं और बंधन हैं और परिस्थितियाँ हैं ये क्या बेकार का बहाना है कुछ भी नहीं है अभी जिन पिताजी की बात कर रहे हैं वो एकदम ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनकी पुरानी कविताएं हैं कुछ कविताओं में लिखा हुआ है कि दो दिन से खाना नहीं खाया है वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं अपने तमाम उन्होंने बंधनों के बीच ही सारी पढ़ाई पूरी करी फिर अधिकारी भी बने कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं कुछ नहीं ऐसा और जब आप एक ऐसे घर से आते हो तो जैसे आप बोला करते हो ना कि अरे माँ बाप की उम्मीदें हैं बहुत वैसे ही वो उम्मीदें तो मुझसे भी रखते होंगे ना कि नहीं रखते होंगे तो मेरे लिए आसान कहाँ से हो गया भाई उनको भी लगता होगा कि जिस तरह की संपन्नता कभी नहीं देखी गई वैसी संपन्नता ये लड़का लेकर के आएगा यूएस में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में चला जाएगा और साल के कई लाख डॉलर घर भेजा करेगा हम्म तो आसान कहाँ से हो गया फिर कोई चीज ना मिली हो जिंदगी में तो वहां फिर भी आसान होता है मिली ही नहीं उसका न मिलना ही फैसला हो गया फैसला हो गया ना पर जो चीज मिल गई है उसका न मिलना फिर चुनाव होता है ठीक कोई चीज आपको मिली ही नहीं तो फैसला हो गया पर मिली हुई चीज को छोड़ना एक चुनाव होता है और उस चुनाव में दर्द होता है मेरे भी दोस्त यार हैं परिवार है और मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा हूं साधारण मिट्टी का पुतला हूं मेरे भीतर भी कई तरह के संशय उठते थे कुछ स्पष्टता नहीं थी क्या होगा क्या नहीं होगा चलते रहे चलते रहे देखिए मुझको लेकर के बहाना मत बनाइए कि इस आदमी के लिए आसान था इसलिए अलग चल लिया हमारे लिए आसान नहीं, नहीं चलेंगे मुझे बहाना मत बनाइए बल्कि अगर आपको मेरा इस्तेमाल ही करना है तो मेरी कहानी को सहारा बना लीजिए मेरी कहानी हर उस आदमी के लिए सहारा बन सकती है जो अलग चलना चाहता है पर संशय से घिरा हुआ है और मैं हर तरीके से अलग चलाऊ और उन्हीं परिस्थितियों में होते हुए अलग चलाऊ जिन परिस्थितियों में आप सब है तो कोई बहानेबाजी इसमें नहीं चल सकती ना खानदानी रहीस हूं ना कोई और व्यवस्था है न मैं किसी परंपरा की पीठ पर बैठा हुआ हूं ना अपने ऊपर मैंने कोई गॉडफादर कभी स्वीकार करा न किसी राजनेता से या राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध हूँ कोई नहीं है मेरा एकदम कोई नहीं न धर्म के क्षेत्र में कोई मेरा है न समाज में है न राजनीति में है न मेरे पीछे कोई फंडिंग लगी हुई है कुछ नहीं अकेला खड़ा हूं जैसे अभी आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हूं और कृपा करके कोई कल्पना कोई कहानी मत बना लीजिएगा कि किसी ना किसी का तो इनको समर्थन मिला होगा एकदम किसी का नहीं और मैं गर्व अनुभव करता हूं ये कहने में कि मैंने सहारा दिया है जब कुछ नहीं था मेरे पास तब भी सहारा दे रहा था आप भी दे सकते हैं बहुत साल पहले इसको अंग्रेजी मैंने ऐसे बोला था गिव 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 एंड एंड फ्रॉम ट जब जेब खाली हो ना तब देने में और मजा आता है और मजेदार बात यह कि तब देते जाओ तो पता चलता है अरे जेब में अभी और है अपने ही छुपे हुए कोष फिर खुल जाते हैं अपने आप को निर्बल या निर्धन मत मानिए आपके पास बहुत कुछ है देना शुरू करिए ना चलना शुरू करिए आपकी ताकत अपने आप खुलेगी वक्त की बात है अभी कह रहा था कोई नहीं है साथ में अगर कोई साथ में है तो आप लोग हैं और आप लोग भी बस साथ बने रहे और एक झुंड बन जाए एक समुदाय बन जाए ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारे संबंध पर एक कड़ी शर्त रहे और वो शर्त यह है कि जब तक आप प्रयासरत हैं कि आप उठते रहे जीवन में बेहतर होते रहे और जब तक मैं उस प्रयास में सहयोगी हो पा रहा हूं तब तक हमारा आपका रिश्ता रहे जिस दिन आप ऐसे हो जाए कि कहें कि हमें तो बस सुनना है करना कुछ नहीं हमें तो बस किताब पढ़नी है वीडियो देखना है जीना कुछ नहीं उस दिन मैं आपको अपने आप से दूर कर दूं और जिस दिन मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरे माध्यम से आपकी चेतना को आपकी मुक्ति को कोई लाभ होना बंद हो जाए उस दिन आप मुझे दूर कर दीजिएगा ये हमारा रिश्ता होना चाहिए और इस रिश्ते में ये कड़ी शर्त होनी चाहिए ठीक है ना ये भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं अकेले चले थे पर अब तो बहुत लोग साथ हैं ना साथ वगैरह क्या होता है इंसान साथ के लिए थोड़ी पैदा होता है बात आ रही है समझ में रखनी है ये शर्त मैं अपना चेहरा आपको तभी दिखाऊं जब मुझे पता हो कि आपके सामने खड़ा होना मैंने अर्जित करा है जब मुझे पता हो कि परिस्थितियों का सामना करके आपके सामने आया हूं कि बीते हुए दिन में पूरी मेहनत करी है मैंने और काम के साथ इंसाफ किया है और इस बूते पर आपके सामने खड़ा हूं मुझे पता हो तो ही मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप भी मेरे सामने तभी आए जो आप कह पाए कि जिसके साथ हैं कम से कम थोड़े बहुत उसके जैसे हो रहे हैं ये शर्त ठीक है कि नहीं है या आप मेरे लिए गौरव का साधन है और मैं आपके लिए मनोरंजन का बढ़िया वीडियो बन रहे हैं ये फोटो खींच रहे हैं अभी क्लिक करा इन्होंने अच्छी फोटो आएगी इतने लोग सुनने आए आचार्य जी को नए साल पर मेरे लिए बढ़िया है आप आए हैं यहाँ पर हम और बड़ी हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो और फिर ऐसे छाती गौरव इतने बड़े हो गए भाई और जब आप बड़े हो जाते हो तो कई तरह के लाभ मिलने लग जाते हैं आर्थिक सामाजिक राजनैतिक लाभ लेने शुरू कर दो ये करूं मैं कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको अपने लिए बस गौरव का साधन बना लू तो बोलिए बोलिए कैसा लगेगा और मुझे कैसा लगेगा अगर मैं आपके लिए बस मनोरंजन का साधन बन जाऊं तो बोलिए ना आपको मेरे लिए साधन बनना है ना मुझे आपके लिए प्रेम में एक दूसरे के लिए मनोरंजन का या गौरव का या इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनते ना नहीं बनते ना प्रेम का क्या अर्थ होता है प्रेम माने क्या होता है एक दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि हाथ अगर थामे रहेंगे तो ज्यादा दूर तक चल पाएंगे और ज्यादा ऊंचे उठ पाएंगे शर्त है उस शर्त के बिना कुछ नहीं बात आ रही है समझ में मेरे लिए आसान नहीं था आपकी तरह बिल्कुल इंसान हूं एकदम आपकी तरह और आपको भरोसा दिला रहा हूं जितने भी दिन जीऊंगा मैं कभी नहीं बोलने जा रहा है कि मुझ में कोई दिव्यता है अनूठापन है निराला हूं अलग हूं अद्भुत हूं इनलाइटेंड हूं अवतार हूं यह मैं कहिए तो लिख करके दे दूं जैसे आज बोल रहा हूं मिट्टी का पुतला हूं ठीक आपकी तरह वैसे ही जो सच्ची बात है वो बदल कैसे जाएगी यार आगे दूसरी बात कैसे बोल सकता हूं तो ये समझ लीजिए कि पहले भी आसान नहीं था एक तरह की चुनौतियां थी आज भी आसान नहीं है आज चुनौती ये है कि मैं अपने आप को उन्हीं के जैसा घोषित कर दूं जो समाज में और धर्म में नेता बनकर घूम रहे हैं और तो प्रयास करने लगू कि मैं भी उन्हीं की बिरादरी में जाकर बैठ जाऊं और वो प्रलोभन तो लगातार मौजूद ही है ना कि नहीं मौजूद है आते हैं इधर उधर से न्योते आमंत्रण आप हमारे साथ अब बैठना शुरू कर दीजिए आप क्यों नहीं हमारे दल में शामिल हो जाते और मैं अगर वैसा करने लग जाऊं तो आपके किसी काम का नहीं बचूंगा जब मैं किसी दल में शामिल होने से इनकार कर रहा हूं तो आपकी दलगत निष्ठा क्यों है बताइए आप कैसे राजनीतिक हस्तियों के दीवाने हुए बैठे हैं आप तो दूर से उनके दीवाने हैं मुझे तो वो बहुत पास से बुला रहे हैं बोलो और आपको फिर राजनेताओं का और अभिनेताओं का और बड़े उद्योगपतियों का सेठों का और यही सब जो प्रभावशाली लोग हैं आपको उनका ही मुरीद होना है तो आप उन्हीं के साथ रहिए क्योंकि आप एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हैं जो समाज में उतरा है उन प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं आपके लिए और ये तो देखिए बेवफाई होती है जो प्यार में बिल्कुल बर्दाश्त करी जाती नहीं कि साहब हम तो आपको समर्पित हैं और आपने दिल कहीं और लगा रखा है चलता नहीं ना और आपने जहां दिल लगा रखा है वो हमारे पीछे हैं और हम उनको घास नहीं डालते और आप वहां जाकर के जी 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 कर रहे हैं ये नहीं चलेगा ये बात भी मैं गौरव बताने के लिए नहीं कर रहा हूं इसमें कोई गौरव की बात नहीं है समाज तो जहां भीड़ देखता है उसी को श्रेष्ठ मान लेता है ये तो जाहिर सी बात है होगा ही मेरे साथ भी होगा और भी कहीं भीड़ हो वहां भी होगा तो इसमें कोई गौरव की बात नहीं है इसमें सावधानी की बात है एक निष्ठा होनी चाहिए क्योंकि एक सत्य है और वही एक सत्य है जो जीवन में नवीनता लाएगा एक जिंदगी एक दिल एक सत्य एक प्रेम दूजा कोई नहीं ठीक हमने हर चीज को मल्टीपल बना रखा है जहां देखो वहां तीसरा पांचवा अठारवा पैदा कर रखा है जिंदगी हमें लगता है बहुत सारी हैं। हमारा ही तो दूसरा जन्म हो जाएगा सौ बार समझाया आप जो है आपका नहीं होगा जिसका पुनर्जन्म होता है वो वस्तु दूसरी है आप जो व्यक्तित्व है बार बार बोलता हूं आपकी तो एक ही जिंदगी है एक सत्य हम वो बात भी नहीं मानते हम द्वैत में विश्वास रखते हैं हम कहते हैं मैं भी सत्य हूं संसार भी सत्य है तो दो सत्य तो कम से कम है ही है और एक तीसरा भी है एक भगवान भी है वो भी सत्य तो दो का तीन भी बना देते हैं चार पांच भी बना सकते हो मर्जी है असंख्य सत्य बना लो और मैं कह रहा हूं एक जिंदगी एक सत्य एक निष्ठा हिम्मत है एक जिंदगी का मतलब होता है एक पल भी बर्बाद नहीं करना दूसरी नहीं मिलेगी एक जिंदगी का मतलब समझते हैं सब तरह के विचलन और विक्षेप बाहर समय ही नहीं है एक जिंदगी है बीता पल लौटता नहीं और आगे के पल पता नहीं कितने हैं समय क्या है क्या बोला था भ्रम है भैया नहीं पता एक जिंदगी एक एक निष्ठा अगर सत्य एक है तो पांच से मेरी निष्ठा कैसे हो सकती है पांच जगह दिल कैसे लगा सकता हूं जब सच्चाई एक है तो बोलो कि लगाना है ऐसे को पसंद करोगे सत्तर जगह आशिकी करते फिरते हैं हा? आपको मुझ पर पर फक्र फक्र रहे रहे मुझे आप पर फक्र रहे। अच्छी चलेगी ना जोड़ी हु? आप निराश हो रहे हो मुझे देखें चित्त प्रसन्न हो जाए है ना आप कई बार लिख के भेजते हैं कि मन बहुत खिन्न था फिर तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया अब बढ़िया है कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आत्महत्या ही करने जा रहा था आपने बचा लिया अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे विचार मुझे भी आते हैं मैं किसकी और देखूँ तो हमारा रिश्ता ऐसा रहे कि मैं आपको देखू और मेरा चित्त भी हर्षित हो जाए तो ठीक रहेगा ना नहीं तो एक तरफा हो जाती है बातचीत आप तो मुझे देखते हैं तो आपको प्रेरणा भी मिल जाती है ऊर्जा भी मिल जाती है उत्साह भी मिल जाता है होता है ऐसा तो मेरे लिए भी तो आप होने चाहिए ना या मैं आपको देखूं और आप बिल्कुल वही जमाने की लाइन में लगे हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है या तब और लगे अभी छोड़ो यार ऐसे क्या करना जी के सच अनंत होता है असीम होता है अजेय होता है लेकिन प्रकृति में वो सदा अल्पमत में होता है तो आप अगर एक ऊंची प्रेम भरी सही जिंदगी जिएंगे तो आप हमेशा अल्पमत में ही होंगे अल्पमत में रहने की तैयारी कर लीजिए और अल्पमत में रहने को ही सामान्य मान लीजिए दस के बीच में आप अकेले रहेंगे इस बात को आप अपना दुर्भाग्य भी मान सकते हैं बोलो क्या मानना है यह पक्का है कि दस क्या सौ में आप अकेले रहोगे इसको आप अपना अकेलापन भी मान सकते हैं और अपना अनूठापन भी बोलो क्या मानना है इतनी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दुनिया ऐसी हो जाएगी कि एक दिन आठ सौ करोड़ में से सात सौ करोड़ सच्चाई के आशिक होंगे नहीं होने वाला हम जहां तक अपना जीवन काल देख सकते हैं आप तो अल्पमत में ही होंगे कभी दस में एक कभी हजार में एक उसको अपना अनूठापन मानिएगा वो अनूठापन है आपका ठीक वैसे जैसे शिखर पे चढ़ा होता है कोई तो अनूठा होता है ना और अकेला होता है वो अकेलापन अनूठापन है आपके बच्चे होते हैं आप चाहते हैं कि वो कोई प्रवेश परीक्षा पास कर ले है ना और जो वहां पर सिलेक्शन रेशियो होता है वो ऐसे ही तो होता है हजार में से एक का चयन हुआ ऐसे ही होता है ना तो हजार में एक निकला आपका बेटा आपकी बेटी ये बात सौभाग्य की होती है दुर्भाग्य की तो आपके बच्चे जब हजारों से अलग काम करें तो अनिवार्य रूप से यह मत मान लीजिएगा कि उन्होंने कुछ गलत ही करा है और आप भी जब पाए कि सच का रास्ता आपको हजारों से अलग ले जा रहा है तो कुछ अनिष्ट नहीं घट रहा कुछ बहुत अच्छा बहुत ऊंचा हो रहा है आपके साथ समझ में आ रही है बात ये है दो नावों पे एक साथ पांव रखकर नहीं चल पाएंगे और छूटेगी कौन सी नाव ये पहले से पता है जो बड़ी वाली नाव है आप उसी में सवार हो जाएंगे एक तरफ है उनका इतना बड़ा टाइटैनिक और दूसरी तरफ है हमारी छोटी सी लाइफ बोट टाइटेनिक और लाइफ बोट के आकार में क्या अनुपात होता है दस हजार और एक या एक लाख और एक ऐसे ही कुछ बस इतनी सी बात है कि एक डूबता है एक बचता है अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीखिए नहीं तो बार बार यहां नहीं आ पाएंगे बहुत अनुभव से बोल रहा हूं दूसरे आपको खींच ले जाएंगे अपने पाठकों अपने श्रोताओं के साथ क्या मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस अनुभव का दर्द सहा है जिन पर समाज की बहुत पकड़ होती है वो बहुत दूर तक मेरे साथ नहीं चल पाते सर आज जैसे हम नए साल के लिए यहाँ पहुंचे थे तो बहुत कुछ है जो आपसे सुनते हैं बहुत कुछ है जो आपसे सीखते हैं पर कोई एक बात है जो आप चाहेंगे कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसे अपने साथ लेकर जाए और उसे साल के अंत तक याद रखे छोटा मत अनुभव करना कभी और ये चाहेंगे सब कि छोटा अनुभव करो ये शब्द है ना मुझे बहुत प्यारा है ठसक हम्म ऐसे ऐसे तन के खड़े रहना है हाँ ये थोड़ा सा पीछे को फिका रहे जो चीज अवश्यंभावी है उसकी तैयारी पहले से जहां हर चीज में मिलावट है जहां धर्म संस्कृति इनके नाम पर सिर्फ विक्षेप परोसा जा रहा है वहां अगर आप एक सही साफ सुथरी जिंदगी जियोगे तो अल्पसंख्यक ही रहोगे अपने आप को विश्व की सबसे छोटी माइनॉरिटी मानने की तैयारी कर लो हुँ? और उसको मालूम है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सचेत व्यक्ति वो एक की माइनॉरिटी होता है ऐसा भी नहीं कि दस बारह लोग का एक झुंड है एक दल है एकदम अकेले अल्पसंख्यक हैं और इतने अकेले हैं और जो इतना अकेला होता है उसको सब चले आते हैं दबाने के लिए तो इतना अकेला होता है ना सब चाहते हैं उस पर चढ़ बैठे किसी को हक नहीं देना है कि चढ़ बैठे समाज के प्रति एक स्वस्थ अनादर का भाव रखो हेल्दी हेल्दी बोला ये नहीं कि जो मेला उसी को झाड़ दिया वो रखना जरूरी है क्योंकि अपने आप को वरना बचा नहीं पाओगे हर बच्चा एक संभावना लिए पैदा होता है दुनिया उस संभावना को खा जाती है दुनिया आपको भी खा जाएगी दुनिया है ही इसीलिए कि इंसान को खा जाए भरतहरी कह गए थे ना तुम नहीं खाते दुनिया तुमको खाती है तुम सोच रहे हो कि तुम भोग को भोग रहे हो भोग तुम्हें भोग रहा है तुम नहीं खा रहे यहाँ पे तुम पैदा हुए हो खाए जाने के लिए ये दुनिया सबको खा जाती है तैयार रहो नहीं खाए जाना है गरिमा डिग्निटी क्या डिग्निटी ऐसी गरिमा जो दहाड़ती है बदतमीज गरिमा हम्म मैं जिस बदतमीजी की बात कर रहा हूं वो अच्छी ही नहीं है वो आवश्यक है साधारण बदतमीजी की बात नहीं कर रहा ये सर है ये सिर्फ सत्य के सामने झुकता है क्या और अगर पचास जगह झुकता है उसके बाद सत्य के सामने झुकता है तो भला है कि सत्य के सामने भी ना झुके बिका हुआ सर सत्य के सामने सर झुकाने का महत्व सिर्फ तभी है जब वो सर कहीं और ना झुका हो कहीं झुकना नहीं चाहिए वो गरिमा वो ठसक बनी रहे सर झुके नहीं और हाथ फैले नहीं याचक नहीं बनना है भिखारी नहीं है हम सहारा दे देंगे मांगेंगे नहीं और खूब सहारा देंगे किसी को सहारा देने में अपना नुकसान होता हो तो और देंगे सहारा तभी तो मजा है ना देखे तो कितनी चोट झेल सकते हैं जिसको सहारा दे रहे हो वही पलट करके मारे हमें तो भी उसको देंगे सहारा देखे तो दिल कितना बड़ा है आ रही बात समझ में सच्चाई का सिपाही संसार के दर पे भिखारी थोड़ी ही बनेगा या बनेगा हटो हटो तुम ये भाव रहता है फिर प्रेम में तो सब कुछ अर्पित कर देंगे पर जहां डर है जहां लालच है जहां धमकी है जहां दबाव है वहां हमसे बस उपेक्षा और अनादर ही पाओगे ठीक है ना ये और कभी भी ये भाव उठेगा अगर कि ये तो हारी हुई चीज है सामने वाला पक्ष बहुत बलवान है हम छोटे हैं कमजोर हैं ऐसी भावनाओं क्या करना है दूर हट छू सबसे बड़ा दोष है कमजोरी अहम वृत्ति को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो अपने भीतर का वो भाव जो कहता है कि हम संकुचित हैं सीमित हैं क्षुद्र हैं, संकीर्ण हैं, उसे अहम वृत्ति कहते हैं अपने ही भीतर की संकीर्णता को अहम वृत्ति कहते हैं जब भी ऐसा भाव आए हमसे क्या हो पाएगा पर हम क्या कर सकते हैं एकदम उसको पत्थर मार के भगा दो पढ़ेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पढ़ेंगे देखेंगे तो ऊंचे से ऊंचा देखेंगे घटिया साहित्य नहीं पढ़ेंगे घटिया संगति नहीं करेंगे घटिया जीवन नहीं जिएंगे, घटिया नौकरी नहीं करेंगे घटिया पेशा भी नहीं अपनाएंगे और हम सब जानते हैं कि घटिया किसको कहते हैं कम से कम अगर मेरे साथ रहे हैं आप तो आप भली भांति जानते हैं घटिया किसको कहते हैं जानते हुए भी अगर घटिया काम करा तो अपने आप को माफ नहीं करेंगे ठीक है ना और फिर तन कर जिएंगे क्योंकि पता है कीमत चुकाई है खोखला घमंड नहीं कर रहे ठोस गरिमा है गरिमा और घमंड में अंतर होता है ना हाँ घमंडी हो गए हो वो यही कहेंगे कि ये तो अपने में चलते हैं बहुत घमंडी हो गए हैं अपने आप को तुर्रम खां समझते कहने दो तुम्हें इतनी समझ ही होती कि घमंड अलग चीज है और गरिमा दूसरी तो तुम कुछ और होते हम पे आक्षेप नहीं कर रहे होते हमारे साथ होते एक एक चीज में चुनाव करेंगे ना क्या कपड़ा पहन रहे हैं क्या खाना खा रहे हैं कहां रह रहे हैं कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं कौन सा चैनल देख रहे हैं किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं किन का विरोध कर रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और जब करेंगे तो है ताकतें जो विरोध करेंगी उनको झेलेंगे ना झेलेंगे हाँ, और जब झेलेंगे तो पता चलेगा अरे तो झेल सकते थे इतना भी मुश्किल नहीं था चोट लगी लेकिन बर्दाश्त कर सकते थे पहले भी बर्दाश्त कर सकते थे आज तक क्यों नहीं बर्दाश्त किया चोट लगी दर्द हुआ और जब लगती है चोट तो तिलमिलाता है आदमी तिलमिलाएंगे आप एक बार को कदम लड़खड़ाएंगे लेकिन लड़खड़ा ऋषियों हैं। हैं हमारे 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 तो लड़ ने वो बात सिर्फ अपने लिए नहीं बोली थी हम सबके लिए बोली थी ना अमृत से पुत्र करेंगे प्रयोग हर बार जब भी लगेगा कोई मजबूरी आ रही है कहेंगे कोशिश करके तो देखते हैं अंजाम क्या निकलेगा हमें पता नहीं प्रयास करने में भी कोई बंधन है परिणाम पर हमारा बस नहीं क्या प्रयास भी हमारे हाथ में नहीं बोलिए प्रयास करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे ना हाँ एक बार भी अर्जुन को नहीं कहा कि तुम जीतोगे लेकिन बार बार कहा कर्म पर अधिकार है कर्म से कैसे पीछे हट रहे हो कौन सा कर्म निष्काम कर्म जो कहां से आता है अपने भीतर के अंधेरे को जानने से और लड़ने से आता है जानेंगे कि हमारे भीतर हमारा दुश्मन है उससे लड़ लिए तो बाहर के दुश्मन क्या दम है इनमें गीता उतरेगी एक एक पल में पक्का नहीं पर प्रयास तो करेंगे करेंगे ना करेंगे न दैन्यम न पलायनम न हम छोटे हैं न हम मैदान छोड़कर भागते हैं चोट लगती है चोट सहते हैं मौत आती है मौत सहते हैं मौत भी कोई हमें पहली बार आ रही है क्या मौत भी बहुत पुरानी है नया तो वो जीवन है जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं हजार बार पहले मरे एक बार और मर लेंगे पर नए जीवन के लिए प्रयास तो करेंगे ना करेंगे ना और कुछ ये बात बिल्कुल अधूरी छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि बात कभी पूरी नहीं होती पूरा तो जिंदगी को ही होना होता है जिंदगी को आपको पूरा करना है हाँ कभी बिल्कुल आस टूटने लगे भरोसा मिटने लगे लगे कि घुटने टेक ही दें और बाकी सब उपाय काम ना आ रहे हो एक उपाय ये और कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति है जो कम से कम अभी घुटने नहीं टेक रहा है आप अगर अकेले भी हैं तो एक और व्यक्ति भी है जो अकेला है दो अगर अकेले हो तो अकेले तो नहीं कहलाते हुं? जो संघर्ष आपका है वही मेरा भी है ना आपको सर झुकाना है ना मुझे ना आपको घुटने टेकने हैं ना मुझे और चलेंगे तो साथ बढ़ेंगे तो साथ समझ में आ रही है बात